हाई वेलकम, आई एम नियामत अली मंडल, सीएनसी मशीन लेजर मशीन ऑपरेटर एंड डिज़ाइनर। तो आज आपको सिखाएंगे कैसे सीएनसी लेजर मशीन का जो डिज़ाइन होता है और एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है उसका आज आपको दिखाएंगे कैसे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल तरीका से आपको डिज़ाइन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक मिल जाएगा एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का, तो आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप देख सकते हो और पेड वर्जन है, तो आप उस कोर्स को परचेस करके आप प्रोफेशनल तरीका से आप डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं पूरा आपको नॉलेज आ जाएगा, आप सीख सकते हो। तो ये जो विजिटिंग कार्ड है देखा, अगर आप ये भी चाहते हो तो आप उसका अंदर मिल जाएगा। तो पेड वर्जन में क्या है जो यूट्यूब का अंदर नहीं है, इस यूट्यूब का अंदर मैं जितना बताता हूँ ये मान लीजिए 10% 15% है, लेकिन मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मेरा जो पेड वर्जन का कोर्स है उसका अंदर इससे भी 90% ज़्यादा आपको मिलेगा। ये जितना भी ये टूल है इसको कैसे यूज़ करते हैं आपको शॉर्ट टाइम में, तो वो डिज़ाइन प्रोफेशनल तरीक़ा से आपको बनाने के लिए आप तो आप परचेस करोगे तो आपका डिज़ाइन जो प्रोफेशनल तरीक़ा से आपका डिज़ाइन होता है तो आप ज़रूर बना पाओगे। और जिसके पास सीएनसी मशीन लेज़र मशीन है तो आपको सबसे पहले डिज़ाइन थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि आप आपके पास मशीन है, आप दूसरा किसी पार्सन से आप डिज़ाइन लेते हो तो आप उसमें आपका महंगा भी पड़ेगा, आप समझ लो उसने थोड़ा बहुत कुछ गलत किया होगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है डिज़ाइन का तो आपको मालूम पड़ जाएगा उसने क्या गलत किया, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन का नॉलेज होना ज़रूरी है। और जितना भी लोग सीएनसी मशीन लेने के सोच रहे हो तो आपको पहले बता दूँ, मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, हज़ारों के ऊपर कंपनी है, चाहे लेज़र बोलो सीएनसी बोलो, लेज़र से सीएनसी से लेज़र का कंपनी बहुत ज़्यादा है। तो मशीन लेने से पहले आपको पता चलना चाहिए एक कंपनी का जब प्रोडक्ट है उसका अंदर सोर्स कौन सा कंपनी का है, ठीक है, वो कौन सा, वो चाइना है कि इटली का है जर्मनी का है, ये आपको देखना है कौन सा है, फिर आपको लेना है और प्राइस देखना है उससे, जो उसका जो सोर्स का जो प्राइस है कहीं उसका प्राइस आपसे ज़्यादा ले रहा है तो ये आपको देखना जरूरी है। ये मेरा फुल नॉलेज है, मैंने खुद ऑपरेटर, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैंने लेज़र मशीन सीएनसी मशीन का खुद मैं 5 साल से ऑपरेटर कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरा ये सीएनसी लेज़र का फुल नॉलेज है, कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा सोर्स अच्छा है, उसका प्राइस क्या है, कहीं आपसे ज़्यादा ना ले ले। तो अगर ये सब सवाल आपको अगर पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आपका अच्छा से सही आपको सलाह दूंगा, आपका मशीन अच्छा मिल जाए और प्राइस भी एकदम आपका जो मशीन के हिसाब से सही रहे। तो अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई भी कंपनी हो वो हमेशा ही वो उसका मशीन अच्छा ही बोलेगा, ठीक है, लेकिन जो कारीगर है उसको पता है किसका कंपनी कौन सा मशीन अच्छा है, उसका अंदर क्या मटेरियल है, चाहे सीएनसी बोलो लेज़र बोलो, तो ये सब जो कारीगर होता है जो प्रैक्टिकल काम किया उसका नॉलेज है। तो मैंने ये 5 साल से ये काम कर रहा हूँ और ज्वेलरी लाइन पर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, चाहे रोलिंग मशीन बोलो, कास्टिंग का वर्क बोलो, डाई कटिंग का बोलो, कैसे नया नया डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, कौन सा डिज़ाइन देने से वहाँ पे आपका अच्छा होगा, मैचिंग होगा, ये सब मेरे पास अच्छा से नॉलेज है। तो मैं ऑलराउंडर हूँ गोल्ड लाइन पे, अगर आपको ये सब पूछना है जानना है आप मुझसे सलाह भी ले सकते हो। तो ठीक है, आज आप बात करेंगे ये डिज़ाइन, ये भाई ने मुझे भेजा है, ये एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है, इसको थोड़ा कैसे आसानी से क्रिएट कर पाए तो उसके लिए आपको थोड़ा बताएंगे, तो भाई को भी अच्छा थोड़ा नॉलेज हो जाएगा और आप भी थोड़ा नया कुछ सीख जाओगे। तो इसके लिए ये देखिए डिज़ाइन पहले देख लो एक बार, मेरा जो भाई है उसने जिसने मुझे ये डिज़ाइन भेजा है उसने एक एक करके ऐसे उठा उठा कर करते हैं, वो तो उसका बहुत सारा टाइम निकल जाता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत जितना होगा मैं शॉर्ट में बताएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, आपको तो पहले यहाँ से यहाँ तक कितना mm आपको माप लेना है, ठीक है, और देखना ये कितना भाग है, यहाँ से यहाँ तक कितना mm या इंच आप जिसमें काम करते हो, शायद इंच पे होगा एम्ब्रॉयडरी का काम, तो माप लेना है। मापने के बाद आपको देखना ये कितना पीस है, ऐसे करके कितना पीस है, 1 2 3 4 कर कितना पीस है, 50 60 जो है उसका एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। तो मैं अभी एक शॉर्ट में आपको दिखाऊंगा, एक बॉक्स ले लो, एक बॉक्स लेने के बाद ऐसे भी रख दो इसको, ये 1 mm इसको हेयर लाइन कर दो, 1 mm कर दो इसको, ठीक है।
इसको यहाँ पे ला दो। आपको जहाँ से एकदम एग्जैक्टली जहाँ से जरूरत है आप उस टाइम कॉल लो, खाली आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। आपको जहाँ से जहाँ तक जरूरत है आप परफेक्ट रखिए बॉक्स को। इधर थोड़ा इसका कम कर दो। थर्टीन पॉइंट टू कर दो, देखता हूँ सही है अभी। ठीक है, चलो तकरीबन सही है। आपको क्या करना है, मैंने जहाँ तक देखा आपने नीचे तीन किया था, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच और तीन किया, ठीक है, तो मुझे भी ऐसे ही करना है। इसके अंदर इसको कॉपी कर लो, ये बिंदी है, मैं इसको बना के रखा था एक बिंदी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो मिडिल है ना, आपको ऐसे मिडिल पे एक क्रॉस लाइन ले लेना, ठीक है, सेंटर होगा ये। सेंटर होने के बाद इसको सेंटर पे रख दीजिए, ठीक है, सेंटर पे आ गया। अभी आपको यहाँ पे इधर चार रखना है, इसका इसका ये चारों लाइन के ऊपर चार आपको रखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये फ्री हैंड टूल ले लीजिए, इसका सिर्फ जो मिडिल है, मिड जहाँ आपको रखना है मिडिल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको खींचने का, फिर इधर मिडिल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, हो गया। इसको ये उठा लो, ये पूरा सेंटर पर रख दो, ठीक है, सेंटर आ गया, ये पूरा सेंटर है। इसको कॉपी करो, कॉपी करके ब्रेड कर दो, बस हो गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बिंदी को उठाओ, कॉपी करो, इसका नोट पे छोड़ दो, इसको कॉपी करो, इसका नोट पे छोड़ दो, इस इधर भी कॉपी करो, सेम प्रोसेस ऐसे करके, ये पूरा परफेक्ट आएगा। आपका डिज़ाइन गलत है लेकिन ये गलत नहीं होगा, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इधर कम है, इधर ज़्यादा है गैप, तो वो डिज़ाइन का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये क्योंकि ये माप मेरा परफेक्ट है। अभी जो ये ब्लैक कलर है इसको डिलीट कर दो, ठीक है, ये पाँच हो गया। अभी इसको ऊपर आपको तीन लेना है, ठीक है, तो इसके लिए भी आप एक माप ले लीजिए। वो क्या करना है, मिडिल पे एक रखना है, ठीक है, कॉपी कर लो, इसको कॉपी करके मिड पॉइंट पर छोड़ दे, ठीक है, ये बाहर है, तो आपको क्या करना है, इसको अंदर लेना है, बाहर क्लिक करो, ये जो डिस्टेंट है इसको 0.5 कर दो, ठीक है, अभी इसको अंदर ला दो, एक बार दो बार तीन चार, ठीक है, हो चुका है चार बार। अभी इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 8.5 करो इसको, ठीक है, कंट्रोल हाफ 8.5 हो गया। इसको इधर भी कॉपी करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9, इधर भी, तो इस दोनों को थोड़ा थोड़ा और आगे लाना है, तो अभी इसको पाँच है ना, इसको तीन कर दो, ठीक है, अभी इसको कंट्रोल पकड़ के 1.5 आ गया, ठीक है, सही है, इसको भी हो गया। अभी इस तीन को कॉपी करना है आपको, क्लिक करो, शिफ्ट प्रेस दबाओ, तीनों को क्लिक करो, क्लिक करने के बाद कॉपी कर लो, इसको मिड पॉइंट पे रखो। रखने के बाद कितना दिया था उधर, एक दो तीन चार, या फिर देख लो, चलो सही है, थोड़ा बहुत चलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये जितना भी इसको कॉपी कर लो, ये जो बॉक्स है कितना है, 13.2, कंबाइन कर लो, डिस्टेंट पे 13.2 रख दो,
अभी इसको कॉपी करो, देखा अभी आपको जितना चाहिए कॉपी करो हो जाएगा, देखा फिर कॉपी करो इधर भी रख दो जहाँ तक आपको चाहिए, ऐसे करके आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक है चलो नीचे वाला तो हो गया, अभी आपको जहाँ तक चाहिए आप उतना कॉपी कर दो हो जाएगा। अभी आपको इसको कैसे क्रिएट करते हैं ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप 3 पॉइंट कर्व टूल ले लो, ठीक है यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करो, हो गया। अभी इसको शेप टूल से थोड़ा बहुत ठीक कर लो, ठीक है चलिए, तो हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से एक बिंदी ले लीजिए, कॉपी कर लो, ऐसे रख दो इसको, फिर ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करके मिड से मिड पॉइंट मिला दो, ठीक है ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसको ले लो, न्यू पार्ट, न्यू पाथ पे क्लिक करोगे, जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर क्लिक कर दो, फिर जूम करो, इसको ब्लेंड एलॉन्ग फुल पाथ कर दो, इसको ज़्यादा करो, देखो आपको कहाँ तक चाहिए, ठीक है आपको जहाँ तक लग रहा है सही है फिर आप उतना रख दो। ठीक है चलो सही है ये, अभी इसको क्लिक करो, ब्रेक अनग्रुप पर ऑल, ये जो ब्लैक लाइन है इसको डिलीट कर दो अभी, ठीक है अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो सेटिंग करके, पूरा इसको कॉम्बाइन कर दो फिर, ठीक है कॉम्बाइन कर लिया, फिर इसको ऐसा हो तो उठा लो, ठीक है ऐसे रख दो, आपको जहाँ तक चाहिए ऐसे रख दो, फिर देखो सेटिंग हो जाएगा, ठीक है ये परफेक्ट हो जाएगा। मैंने खाली इसको एक करके दिखाया, आप चाहो ये चाहो तो ये पूरा इसको भर के कर सकते हो, फिर जिस तरह इसको कॉपी किया था मैंने कॉम्बाइन करके, आप इसको भी कॉपी करके फिर अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ये आपको आसानी से हो जाएगा। आपने तो एक एक करके उठाया था, आप बोल रहे थे एक एक करके हमको बहुत टाइम लग जाता है एक एक करके उठने में, तो ये आपको टाइम बहुत ही बचाएगा, ये जो ब्लेंड टूल है इसका मदद करो। तो ऐसे अगर आपको और भी कुछ जानना है और भी अच्छा से सीखना है तो मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो उसमें कोरल ड्रॉ का स्पेशल डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखाते हैं हम, और CNC मशीन, लेजर मशीन, जो गोल्ड ज्वेलरी का मशीन है, यानी आपको तो शायद इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा चलेगा, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी पे क्या होता है उसमें थोड़ा बहुत 0.1 का भी वो डिफरेंस नहीं रहता है, इतना बारीक है, तो उसके लिए आप प्रोफेशनल अगर सीखोगे आपको बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है आज के लिए था इतना ही, मिलते हैं अगले और कोई वीडियो में, तब तक आप अच्छे रहो, खुश रहो।